नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पुराने बेडशीट का बहुत ही सुंदर यूज़ करने जा रही हूँ। एक पुरानी बेडशीट से मैंने ये सुंदर सा डोरमेट बनाया है। आप इसका यूज़ डोरमेट की तरह कर सकते हैं या फिर मैट की तरह कर सकते हैं। बैठने के लिए बहुत ही काम आता है ये। इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे पुरानी साड़ी, पुराना दुपट्टा या फिर कोई सा भी आपके पास पुराना शर्ट पैंट वगैरह हो तो उससे भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। मेरे पास ये बहुत ही पुराना सा ये बेडशीट रखा हुआ है जो कि सिंगल बेड का है और ये देखिए बिछाते बिछाते काफ़ी ये घिस चुका है। लेकिन ये जो बेडशीट है थोड़ा सा मोटा है तो इसका जो डोरमेट है वो बहुत ही बढ़िया बनता है। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले हमें लेना है इस तरह का एक सिंगल बेडशीट। उसको अच्छे से हम फैला लेंगे पहले और फिर आप चाहे तो स्केल से इस तरह से देखिए एक बार और फिर दोबारा पलट के इस तरह से इतनी दूरी रख के और निशान लगा लें। मतलब कि एक पट्टी लगभग 4 इंच के बराबर रख सकते हैं आप। अब जो हमने निशान लगाया है उसको काट लेंगे। पूरी बेडशीट को, पूरी चादर को हमें इस तरह से काट लेना है। इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप मैंने पूरा कट कर लिया है। तो पूरा बेडशीट अब इसमें से हम तीन पहले लेंगे। तीन स्ट्रिप हमें लेना है इस तरह का। तीन पट्टियाँ ये मैंने ले ली हैं। अब इन तीनों को मिलाते हुए इस तरह से बराबर करके और फिर हम इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करके और सिलाई करेंगे। तो ये तीन पट्टियाँ मैंने ली हैं, तीन स्ट्रिप ली हैं और इसको तीनों को मिला के सिल लेना है। अब देखिए ये तीन स्ट्रिप, तीन पट्टियाँ मैंने जोड़ ली है, सिलाई कर लिया है तीनों को मिला के। अब हमें क्या करना है, इसको देखिए इस तरह से प्लेट्स बनाना है, चोटी बनाना है। जैसे कि हम बालों में चोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी हम चोटियाँ बनाएंगे। तो ये तीनों को इस तरह से मिलाते हुए फिर हम देखिए इस तरह से हमें प्लेट्स बना लेने हैं। पहले एक, फिर ये दूसरा, फिर उसके बाद तीसरे को इसके ऊपर लाते हुए इस तरह से हम चोटी कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है। बस इसी तरह से सारे स्ट्रिप को आपको इस तरह से प्लेट्स बना लेने हैं, चोटियाँ बना लेनी हैं। और ये जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा स्ट्रिप मिला के फिर उसमें सिल लेंगे। इसी तरह से जिसमें जिसमें ये ख़त्म हो रहा है, हमने देखिए अब ये स्ट्रिप आगे इसमें सिल लिया है, जोड़ लिया है और फिर ये जो प्लेट्स है इसको कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह से जितना की स्ट्रिप हमने कट किया है पूरा एक बेडशीट इसको बनाने में लग गया है। तो सभी को ये पहले हम ये प्लेट्स बना के रेडी कर लेंगे। अभी प्लेट्स मैंने बना लिया है। अब इसको हम राउंड शेप में इस तरह से घुमाते हुए और फिर इसको हम पहले अच्छे से सिल लेंगे। जो शुरुआत है उसको हमें अच्छी तरह से सिल लेना है। अब देखिए इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे और फिर सिलते जाएंगे। इस तरह से हमें घुमाते हुए फटाफट सिलते जाना है।
बहुत ही आसानी से बन जाता है ये डोरमेट, और बिल्कुल भी खुलता नहीं है, खुलने का कोई डर नहीं रहता इसका। तो इसी तरह से ये घुमाते हुए, गोल गोल घुमाते हुए, और पूरा हमें सिल लेना है। तो अब ये देखिए, ये पूरा हो गया है। अब लास्ट में हम पूरा बराबर से कट कर लेंगे इसको, और अच्छे से पूरी फिनिशिंग के साथ तीनों को मिला के हम एंड में सिल लेंगे। इस तरह से तीनों को मिलाते हुए हमें अच्छे से सिल लेना है। तो ये तैयार हो गया हमारा डोरमेट या पायदान या फिर मैट। बहुत ही आसान है, और पुराना जो चद्दर है उसका भी बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया है। आपके घर में भी अगर पुराना कपड़ा, साड़ी, चद्दर कुछ भी है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये डोरमेट और वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।